हेलो दोस्तों, जो आप हैं यहाँ वृंदावन में, वृंदावन में यहाँ पे रोज रास लीला होती है और यहाँ पर गाने चल रहे हैं और यहाँ पर रोज रात को कृष्ण जी आते हैं, हमें लीला करते हैं और बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ से पेड़ सूखे हुए हैं, नीचे सूखे हैं और ऊपर से हरे हैं। वृंदावन की गलियों के अंदर है, हम ये निधिवन में है दोस्तों अभी हम। बहुत ही अच्छी जगह है ये और यहाँ राधा रानी भी आती है, रात को रास लीला होती है। 16,108 पेड़ है ये, इन सभी पेड़ों पे देखिए जो है ये रासलीला होती है रात में। तो आगे चलते हैं वीडियो में। आजा आजा, लोग रहते हैं और क्या। आजा हेलो दोस्तों, तो आप हैं यहाँ वृंदावन में, वृंदावन में यहाँ पे रोज रासलीला होती है और यहाँ पर गाने चल रहे हैं और यहाँ पर रोज रात को कृष्ण जी आते हैं, अपने लीला करते हैं और बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ से पेड़ सूखे हुए हैं, नीचे सूखे हैं और ऊपर से हरे हैं। वृंदावन की गलियों के अंदर है हम, ये निधिवन में है दोस्तों अभी हम। बहुत ही अच्छी जगह है ये और यहाँ राधा रानी भी आती हैं, रात को रासलीला होती है। और 16,108 पेड़ हैं ये, इन सभी पेड़ों पे देखिए जो है ये रासलीला होती है रात में। तो आगे चलते हैं हम वीडियो में। फोटो खींचनी है, फोटो खींचनी क्या चीज था ये? ये मंदिर है बस, ऐसे ही शाह जी का मंदिर कहा है इसको। मंदिर ही मंदिर, यहाँ मंदिर ही मंदिर है बस घूमने के लिए। चप्पल कहाँ है?
आजा आजा, लोग रहते हैं और क्या। आजा हेलो दोस्तों, तो आप हैं यहाँ वृंदावन में। वृंदावन में यहाँ पे रोज रासलीला होती है और यहाँ पर गाने चल रहे हैं और यहाँ पर रोज रात कृष्ण जी आते हैं, अपने लीला करते हैं और बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जहाँ सब पेड़ सूखे हुए हैं, नीचे सूखे हैं और ऊपर से हरे हैं। वृंदावन की गलियों के अंदर है हम, ये निधिवन में है दोस्तों अभी हम। बहुत ही अच्छी जगह है ये और यहाँ राधा रानी भी आती हैं, रात को रासलीला होती है। और 16,108 पेड़ हैं ये, इन सभी पेड़ों पे देखिए जो है ये रासलीला होती है रात में। तो आगे चलते हैं हम वीडियो में। फोटो खींचनी है। क्या चीज था ये मंदिर है? बस ऐसे शाह जी का मंदिर कहा है इसको, मंदिर ही मंदिर है बस घूमने के लिए। चप्पल कहा? आजा आजा, लोग रहते हैं और क्या। आजा हेलो दोस्तों, तो आप हैं यहाँ वृंदावन में। वृंदावन में यहाँ पे रोज रासलीला होती है और यहाँ पर गाने चल रहे हैं और यहाँ पर रोज रात कृष्ण जी आते हैं, अपने लीला करते हैं। और बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जहाँ सब पेड़ सूखे हुए हैं, नीचे सूखे हैं और ऊपर से हरे हैं। वृंदावन की गलियों के अंदर है हम, ये निधिवन में है दोस्तों अभी हम। बहुत ही अच्छी जगह है ये और यहाँ राधा रानी भी आती हैं, रात को रासलीला होती है। और 16,108 पेड़ हैं ये, इन सभी पेड़ों पे देखिए जो है ये रासलीला होती है रात में। तो आगे चलते हैं हम वीडियो में।
फोटो खींचनी है, फोटो खींचनी क्या चीज था ये? ये मंदिर है बस, ऐसे ही शाहजी का मंदिर कहा है इसको, मंदिर ही मंदिर, यहाँ मंदिर ही मंदिर है बस घूमने के लिए। चप्पल कहाँ है? आजा आजा, लोग रहते हैं और क्या। आजा हेलो दोस्तों, तो आप हैं यहाँ वृंदावन में, वृंदावन में यहाँ पे रोज रासलीला होती है और यहाँ पर गाने चल रहे हैं और यहाँ पर रोज रात कृष्ण जी आते हैं, अपने लीला करते हैं और बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ से पेड़ सूखे हुए हैं, नीचे सूखे हैं और ऊपर से हरे हैं। वृंदावन की गलियों के अंदर हैं हम, ये निधिवन में हैं दोस्तों अभी हम। बहुत ही अच्छी जगह है ये और यहाँ राधा रानी भी आती हैं, रात को रासलीला होती है। और 16,108 पेड़ हैं ये, इन सभी पेड़ों पे देखिए जो है ये रासलीला होती है रात में। तो आगे चलते हैं हम वीडियो में। फोटो खींचनी है, फोटो खींचनी क्या चीज था ये? ये मंदिर है बस, ऐसे ही शाहजी का मंदिर कहा है इसको, मंदिर ही मंदिर, यहाँ मंदिर ही मंदिर है बस घूमने के लिए। चप्पल कहाँ है? आजा आजा, लोग रहते हैं और क्या। आजा हेलो दोस्तों, तो आप हैं यहाँ वृंदावन में, वृंदावन में यहाँ पे रोज रासलीला होती है और यहाँ पर गाने चल रहे हैं और यहाँ पर रोज रात कृष्ण जी आते हैं, अपने लीला करते हैं और बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ से पेड़ सूखे हुए हैं, नीचे सूखे हैं और ऊपर से हरे हैं। वृंदावन की गलियों के अंदर हैं हम, ये निधिवन में हैं दोस्तों अभी हम।
बहुत ही अच्छी जगह है ये, और यहाँ राधा रानी भी आती हैं रात को, रासलीला होती है। और 16,108 पेड़ हैं ये, इन सभी पेड़ों पे देखिए जो है ये रासलीला होती है रात में। तो आगे चलते हम वीडियो में। फोटो खींचनी है, फोटो खींचनी क्या चीज था ये? ये मंदिर है बस, ऐसे ही शाह जी का मंदिर कहा है इसको, मंदिर ही मंदिर, यहाँ मंदिर ही मंदिर है बस घूमने के लिए। चप्पल कहाँ है? आजा आजा, लोग रहते हैं और क्या। आजा हेलो दोस्तों, तो आप हैं यहाँ वृंदावन में, वृंदावन में यहाँ पे रोज रासलीला होती है, और यहाँ पर गाने चल रहे हैं, और यहाँ पर रोज रात को कृष्ण जी आते हैं अपने लीला करते हैं, और बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जहाँ सब पेड़ सूखे हुए हैं, नीचे सूखे हैं और ऊपर से हरे हैं, वृंदावन की गलियों के अंदर हैं हम, ये निधिवन में हैं दोस्तों अभी हम। बहुत ही अच्छी जगह है ये, और यहाँ राधा रानी भी आती हैं रात को, रासलीला होती है। और 16,108 पेड़ हैं ये, इन सभी पेड़ों पे देखिए जो है ये रासलीला होती है रात में। तो आगे चलते हम वीडियो में। फोटो खींचनी है, फोटो खींचनी क्या चीज था ये? ये मंदिर है बस, ऐसे ही शाह जी का मंदिर कहा है इसको, मंदिर ही मंदिर, यहाँ मंदिर ही मंदिर है बस घूमने के लिए। चप्पल कहाँ है? आजा आजा, लोग रहते हैं और क्या। आजा चले।
हेलो दोस्तों, तो आप हैं यहाँ वृंदावन में। वृंदावन में यहाँ पे रोज रासलीला होती है और यहाँ पर गाने चल रहे हैं और यहाँ पर रोज रात कृष्ण जी आते हैं, अपने लीला करते हैं और बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ से पेड़ सूखे हुए हैं, नीचे सूखे हैं और ऊपर से हरे हैं। वृंदावन की गलियों के अंदर हैं हम, ये निधिवन में हैं दोस्तों अभी हम। बहुत ही अच्छी जगह है ये और यहाँ राधा रानी भी आती हैं, रात को रासलीला होती है। और 16,108 पेड़ हैं ये, इन सभी पेड़ों पे देखिए जो है ये रासलीला होती है रात में। तो आगे चलते हम वीडियो में। फोटो खींचनी है, फोटो खींचनी है। क्या चीज था ये मंदिर है बस, ऐसे ही शाहजी का मंदिर कहा है इसको। मंदिर ही मंदिर, यहाँ मंदिर ही मंदिर है बस घूमने के लिए। चप्पल कहाँ है? आजा आजा, लोग रहते हैं और क्या। आजा हेलो दोस्तों, तो आप हैं यहाँ वृंदावन में। वृंदावन में यहाँ पे रोज रासलीला होती है और यहाँ पर गाने चल रहे हैं और यहाँ पर रोज रात कृष्ण जी आते हैं, अपने लीला करते हैं। और बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ से पेड़ सूखे हुए हैं, नीचे सूखे हैं और ऊपर से हरे हैं। वृंदावन की गलियों के अंदर हैं हम, ये निधिवन में हैं दोस्तों अभी हम। बहुत ही अच्छी जगह है ये और यहाँ राधा रानी भी आती हैं, रात को रासलीला होती है। और 16,108 पेड़ हैं ये, इन सभी पेड़ों पे देखिए जो है ये रासलीला होती है रात में। तो आगे चलते हम वीडियो में। फोटो खींचनी है, फोटो खींचनी है। क्या चीज था ये मंदिर है बस, ऐसे ही शाहजी का मंदिर कहा है इसको। मंदिर ही मंदिर, यहाँ मंदिर ही मंदिर है बस घूमने के लिए। चप्पल कहाँ है? आजा आजा।
लोग रहते हैं और क्या था। हेलो दोस्तों, तो आप हैं यहाँ वृंदावन में। वृंदावन में यहाँ पे रोज रासलीला होती है और यहाँ पर गाने चल रहे हैं और यहाँ पर रोज रात को कृष्ण जी आते हैं, अपने लीला करते हैं और बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जहाँ से पेड़ सूखे हुए हैं, नीचे सूखे हैं और ऊपर से हरे हैं। वृंदावन की गलियों के अंदर हैं हम, ये निधिवन में हैं दोस्तों अभी हम। बहुत ही अच्छी जगह है ये और यहाँ राधा रानी भी आती हैं, रात को रासलीला होती है। और 16,108 पेड़ हैं ये, इन सभी पेड़ों पे देखिए जो है ये रासलीला होती है रात में। तो आगे चलते हैं हम वीडियो में। फोटो खींचनी है क्या चीज था ये? ये मंदिर है बस, ऐसे ही शाहजी का मंदिर कहा है इसको। मंदिर ही मंदिर, यहाँ मंदिर ही मंदिर है बस घूमने के लिए। चप्पल कहाँ है? आजा आजा, लोग रहते हैं और क्या आजा। हेलो दोस्तों, तो आप हैं यहाँ वृंदावन में। वृंदावन में यहाँ पे रोज रासलीला होती है और यहाँ पर गाने चल रहे हैं और यहाँ पर रोज रात को कृष्ण जी आते हैं, अपने लीला करते हैं। और बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जहाँ से पेड़ सूखे हुए हैं, नीचे सूखे हैं और ऊपर से हरे हैं। वृंदावन की गलियों के अंदर हैं हम, ये निधिवन में हैं दोस्तों अभी हम। बहुत ही अच्छी जगह है ये और यहाँ राधा रानी भी आती हैं, रात को रासलीला होती है। और 16,108 पेड़ हैं ये, इन सभी पेड़ों पे देखिए जो है ये रासलीला होती है रात में। तो आगे चलते हैं हम वीडियो में।
फोटो खींचनी है, फोटो खींचनी है। क्या चीज था ये मंदिर है बस ऐसे ही शाहजी का मंदिर का है इसको मंदिर ही मंदिर यहाँ मंदिर ही मंदिर है बस घूमने के लिए। चप्पल कहाँ है? आजा आजा लोग रहते हैं और क्या आजा हेलो दोस्तों, तो आप हैं यहाँ वृंदावन में। वृंदावन में यहाँ पे रोज रासलीला होती है और यहाँ पर गाने चल रहे हैं और यहाँ पर रोज रात को कृष्ण जी आते हैं, अपने लीला करते हैं और बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जहाँ से पेड़ सूखे हुए हैं, नीचे सूखे हैं और ऊपर से हरे हैं। वृंदावन की गलियों के अंदर है हम, ये निधिवन में है दोस्तों अभी हम। बहुत ही अच्छी जगह है ये और यहाँ राधा रानी भी आती हैं, रात को रासलीला होती है। और 16,108 पेड़ हैं ये, इन सभी पेड़ों पे देखिए जो है ये रासलीला होती है रात में। तो आगे चलते हैं हम वीडियो में। फोटो खींचनी है, फोटो खींचनी है। क्या चीज था ये मंदिर है बस ऐसे ही शाहजी का मंदिर का है इसको मंदिर ही मंदिर यहाँ मंदिर ही मंदिर है बस घूमने के लिए। चप्पल कहाँ है? आजा आजा लोग रहते हैं और क्या आजा हेलो दोस्तों, तो आप हैं यहाँ वृंदावन में। वृंदावन में यहाँ पे रोज रासलीला होती है और यहाँ पर गाने चल रहे हैं और यहाँ पर रोज रात को कृष्ण जी आते हैं, अपने लीला करते हैं और बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जहाँ से पेड़ सूखे हुए हैं, नीचे सूखे हैं और ऊपर से हरे हैं। वृंदावन की गलियों के अंदर है हम, ये निधिवन में है दोस्तों अभी हम।
बहुत ही अच्छी जगह है ये। और यहाँ राधा रानी भी आती हैं रात को, रासलीला होती है। और 16,108 पेड़ हैं ये, इन सभी पेड़ों पे देखिए जो है ये रासलीला होती है रात में। तो आगे चलते हम वीडियो में। क्या चीज था ये? ये मंदिर है बस, ऐसे ही शाहजी का मंदिर कहा है इसको, मंदिर ही मंदिर, यहाँ मंदिर ही मंदिर है बस घूमने के लिए। चप्पल कहाँ है? आजा आजा, लोग रहते हैं और क्या। आजा हेलो दोस्तों, तो आप हैं यहाँ वृंदावन में। वृंदावन में यहाँ पे रोज रासलीला होती है और यहाँ पर गाने चल रहे हैं और यहाँ पर रोज रात कृष्ण जी आते हैं, अपने लीला करते हैं। और बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जहाँ से पेड़ सूखे हुए हैं, नीचे सूखे हैं और ऊपर से हरे हैं। वृंदावन की गलियों के अंदर है हम, ये निधिवन में है दोस्तों अभी हम। बहुत ही अच्छी जगह है ये। और यहाँ राधा रानी भी आती हैं रात को, रासलीला होती है। और 16,108 पेड़ हैं ये, इन सभी पेड़ों पे देखिए जो है ये रासलीला होती है रात में। तो आगे चलते हम वीडियो में। फोटो खींचनी है क्या चीज था ये? ये मंदिर है बस, ऐसे ही शाहजी का मंदिर कहा है इसको, मंदिर ही मंदिर, यहाँ मंदिर ही मंदिर है बस घूमने के लिए। चप्पल कहाँ है? आजा आजा, लोग रहते हैं और क्या। आजा चले।
फोटो ली।